एकदम फ्रेश घी। दो चार दिन तक राजस्थान में शीतलहर है, तब तक सूरज दादा से यही प्रार्थना है कि रात में भी निकले। हाय एवरीवन, मैं बस में हूँ, बस पीछे से खाली आगे लोग हैं। तो मैं जा रही हूँ मेरे दीदी के यहाँ पे, मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो वहाँ से मुझे इजी रहेगा। सुबह 5:30 बजे उठी हूँ मैं, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि क्या बताओ। इतने ज़्यादा मैंने लेयर अप कर रखे हैं कपड़े और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी तो शायद ठंड कम हो जाए। बाकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कुछ व्लॉग बनाने की, इतनी ज़्यादा ठंडी है, नाक एकदम। अभी बस बीच में रुकी है तो खड़खड़ 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 की आवाज़ कम हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। बाकी तो देखो कैसे व्लॉग आगे टर्न आउट होता है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है एकदम, ऐसे करके लिटरली मैं सो रही थी इधर, बहुत ठंडी है। For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? 2-4 days तक राजस्थान में शीतलहर है, तब तक सूरज दादा से यही प्रार्थना है कि रात में भी निकले। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइज आज तो कार बस ऑटो बाइक की सुबह सुबह 3-4 घंटे की कठिन यात्रा करते हुए मैं पहुंच गई हूं अपनी प्रिय बहना के घर पे, प्रिय बहना के घर पे। बस यू ठंडी हूँ जय हो। भाई साहब थिएटर ठाकुर ठाकुरानी बन गई आज तो मैं। तो थिएटर ठाकुर होना मैं ठाकुरानी बन गई। बहुत ज़्यादा सर्दी आज, फुल बर्फ जमी हुई। तीन चार दिन तक शीतलहर है। तो जी अभी अभी जस्ट मैं प्रैक्टिकल देके घर पहुंची हूँ और अपने कपड़े वपड़े चेंज करे हैं और मैं चली रजाई में घुस के सोने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, शीतलहर की वजह से। यहाँ तो ऑलरेडी ठंड होती है और ऊपर से शीतलहर की वजह से और ज़्यादा ठंडी होती है। तो मैं तो चली रजाई में घुस के सोने, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठी थी ना, तो थोड़ा सा नींद तो क्या ही पता क्या ही आएगी, लेकिन ऐसे ही सो जाती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ हनी व्लॉग्स। देख रहे हो धुआं जैसे कि कोई बर्ड्स, कितनी सारी उड़ रही है उधर, पर मेरा फ़ोन उतना तगड़ा क्वालिटी का नहीं है ना, तो इसलिए पकड़ में नहीं आएगी। बर्ड्स आर चिरपिंग और ये सुंदर सा नज़ारा। तो व्लॉग तो बनाना बनता था। और ठंड में बता दे रही हूँ इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है। कुछ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी घास काटी हुई थी तो एकदम वाइट दिख रही होगी आप पे, क्योंकि इस पे है ना बर्फ़ की पूरी लेयर है। नहीं आ रहा कैमरे में, तो शो अच्छे से नहीं हो पा रहा, पर देख रहे हो आप पूरी वाइट है। ये देखो ये घास है और इस पे पूरे पे बर्फ़ जम रखी है, तभी एकदम वाइट हो रखा है, बर्फ जम रखी है इस पे भी।
दीदी का घर ना बिल्कुल एकदम फार्म हाउस वाली वाइब देता है, इधर खेत उधर पास में चूल्हा, इतना सुंदर। तो मैंने सोचा आज तो पक्का व्लॉग बनाती हूँ। आज मेरे ना प्रैक्टिकल जल्दी है तो अभी रेडी शेडी होएंगे और जाएंगे। पर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, बर्ड्स इतनी ज़्यादा चीप कर रही है ना, आ रही होगी एकदम मस्त वाला साउंड। पीछे बैक साउंड कुछ भी नहीं लगाऊंगी तो आपको सुनाई देगा। हाथ बाहर रह रहे के ना इतने ज़्यादा ठंडे हो गए। ओह अभी सनराइज़ होने वाला है उधर, तभी नीचे नीचे से देख रहे हो रेड दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होने वाला है। सूरज दादा से पहले उठ गया अपन। दीदी के यहाँ पे लौकी लगी हुई है और इधर देखो राउंड शेप लौकी। देवी ऊपर ला गया बंगे देख अती थी जिम्मी ओडी उठी ना। अठिन तो कहीं को ऊपर रह जाना, अठिन तो और ही कम जिम्मी। वहाँ पर बर्फ ज़्यादा है। हाँ वाह कितने राउंड शेप है। थेपड़ी छोटी थेपड़ी क्यूट थेपड़ी। यहाँ हो रहा है घी गरम और यहाँ हो रहा है दूध गरम। एकदम फ्रेश घी। तो दीदी कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिखा के लेके आऊँ क्या, वो बोले रहने देना। पर नहीं चलो दिखाते हैं, पता नहीं फिर कब हो पाएगा। सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो जाएगी तो कब करेगा कब, हैं कब करेगा कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो जाएगी प्यारे करेगा कब। इसलिए मैंने सोचा कि अभी दिखाएंगे। बड़ो अपन तो अभी दिखाएगा। अरे हाँ यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे कितनी होएगी, वहाँ तो नहीं जा सकती, यहीं दिख सकती हूँ मैं। यार ऐसे बहुत ज़्यादा बर्फ है, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ पा रही है, क्या करूँ मैं। देख रहे हो विनोद, यहाँ का टेम्परेचर 0°C से -3.5°C रहा होगा तभी बर्फ जमी है, या फिर इससे भी कम। उधर तो इससे भी कम होगा, यहाँ तो बहुत कम कम बर्फ़ है, उधर है ज़्यादा। उधर तो मैं नहीं जा रही, अब लेट हो जाएंगे। नाना धोना तैयार होनो ही। थक गया? थक गया? कितना थका? नहीं थका। पकड़ो फिर, पकड़ो वापस से। पल रहेगी भागता भागता की। चप्पल 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 के कटे किधर हो? बच्चे मिट्टी का केक बना रहे हैं और उसी का कट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, यही बढ़िया है। केक काट लिया? हाँ। किसका था, कौन सा केक था, चॉकलेट? हाँ। के रेड वेलवेट के कैपेचिनो? चॉकलेट। चॉकलेट केक। हम्म, ए जियो। हाय
साइकिल को भी घुमा रहे हो साथ साथ में? अरे सिर्फ आप घूम लो। ओ ये हो गया कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन। ये लो, बोथ आर माई क्यूट भांजा, दक्ष और जयंत। तो आज डिनर में मैं तो रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। बाहर से लेके आए हैं गर्मा गर्म जलेबी और घर पे बना लिए गर्मा गर्म खीर। लेट्स एंजॉय सर्दियाँ। सो गुड। So good. बहुत टेस्टी है। Yummy, yummy, yummy. और ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको करती हूँ यहीं पे बंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, आज तो सुबह सुबह कार बस ऑटो बाइक की कठिन यात्रा की, 3-4 घंटे की कठिन यात्रा करते हुए, अरे यार। तो जी अभी अभी प्रैक्टिकल दे के घर आके पहुँचूँ, व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए मैं इसको यहीं पे, यार मैं बोलती हूँ ना तो मेरे भांजा कुचुड़ 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 बदमाश। अरे 2 मिनट शांति रख लो।